फील करना चाहूंगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द हमारे बीच संगत में होना चाहिए, ताकि समाज में सुधार हो सके। इतने क्राइम केस गर्ल्स के प्रति हो रहे हैं जिसमें सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में जानने के लिए कि आखिर आज भी लोग गुरुजी से क्यों जुड़े हुए हैं, डेरा सच्चा सौदा का आखिर सच क्या है। तो डायरेक्ट लोगों से जानते हैं डेरे के बारे में और मिलवाते हैं आपको उन लोगों से। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ ज्योति वाला। कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे सुखचंद सिरसा में रहती हूँ, अब मैं सुखचंद कॉलोनी से आई हूँ। ठीक है, तो कितने साल हो गए आपको गुरुजी को जानते हुए? 8 ईयर एज से जानती हूँ मैं। तो मैडम, आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, या आपने कुछ क्या देखा डेरे में? डेरे में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली मैं ट्यूशन भी पढ़ी हूँ, पिताजी से 8 ईयर एज की मिल भी चुकी हूँ। पंजाब रोपड़ रहते थे हम, पंजाब विलेज हमारा रोपड़ है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वहाँ के स्कूल में पढ़ती थी, बीमार हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, स्कूल भी नहीं जाती थी, पढ़ने को जी भी नहीं करता था, स्टडी करने को भी जी नहीं करता, इतनी बीमार होने लगी होगी थी। फिर पिताजी से मिले, पापा और रंजीत अंकल मुझे पिताजी के पास लाए, फिर पिताजी ने बाहर से हाँक मारी कि भाई ज्योति बाला को अंदर बुलाओ। तब संगत भी थोड़ी होती थी, इतनी संगत नहीं, करोड़ों शरोड़ों में ही होती थी तब संगत मतलब थोड़ी सी होती थी, नॉर्मल सी। तो पिताजी ने बोला बेटे, मैंने बोला पिताजी मुझे ना तीनों गुरुओं के दर्शन होते हैं। पिताजी बोला बेटे को प्रसाद दो बूंदियों का, और पिताजी ने वो बादाम तवा से ये दवाई लिखी कि 6 मंथ पिताजी ने पापा को बताया। और शंख पुष्पी जो, जब तो शास्त्र नाम जी हॉस्पिटल ही नहीं होता था, कह रहे शंख पुष्पी जो है ना वो मस्ताना जी धाम से भी ले लेना, 10 नंबर कमरे की दवाई लिखी थी पिताजी ने, और वहाँ से ले लेना और आप प्रिपेयर हो जाओगे। फिर पढ़ते पढ़ते 2002 में मैं डीपली डिप्रेशन में चली गई, डीपली डिप्रेशन में इतना चली गई कि बॉदरेशन में भी मैं प्लस टू के एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई, इतनी ज़्यादा डीपली डिप्रेशन रही। ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए डीपली डिप्रेशन में डॉक्टर अशोक से गुरसर मोड़िया से ट्रीटमेंट करवाया। और तो मैं जो काम गुरुजी ने चलाए हैं, क्या आपको लगता है उससे समाज में बदलाव आया है? काफ़ी आया है, अब लोग करोड़ों में संगत है, पहले करोड़ों में नहीं थी, सब फिल्में देखने लगी है, फिल्मों से सुधार आया है। गुरु ने जो फिल्में बनाई हैं, हिंद का नापाक कुछ और फिल्म बनाई है, स्टॉप प्रोस्टिट्यूशन, शुभ देवियों, उनको भी जीने का मौका मिला है, उनके भी घर बस रहे हैं, रेप गर्ल हैं उनके भी घर बस रहे हैं, उनके भी भक्त जोधों से शादी काम चलवाया है, भ्रूण हत्या उस पर भी रोक लगा दी है, विधवा विवाह भी चलाए हैं, तलाकशुदा भी विवाह चलाए हैं, मतलब हर एक के डिप्रेशन जो डिप्रेशन में होता है ना उसकी भी संभाल मालिक ने बनाई बताई है। तो जो लोग डेरा में नहीं आते और वो बोलते हैं कि हाँ जो भी होता है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को मैसेज देना, आप एक बार आके देखो डेरे, आप आके देखो, अभी कहीं कहीं 5 उंगली एक साथ नहीं, जैसे 5 ब्रांड ड्रिंक्स कर रहे हैं, अगर एक लड़की जाए ड्रिंक वाले के पास तो हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हम किसी के बारे में बुरा, अरे भला बोल नहीं सकते, तो बुरा, हमें तो अपने गुरु के दृढ़ विश्वास है। आज सब की आपका विश्वास वैसे ही है? वैसे ही है। क्या आपको लगता है समाज को गुरुजी की जरूरत है? है। क्या आपको लगता है उन्हें वापस समाज में आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, ऑब्वियस आना चाहिए। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द हमारे बीच संगत में होना चाहिए, ताकि समाज में सुधार हो सके। इतने क्राइम केस गर्ल्स के प्रति हो रहे हैं जिसमें सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही, अब एक्शन ले नहीं रही, प्रेफरेंस दे रही, अब इतने इतने कानून समलैंगिकता को जो जिस के खिलाफ डेरा अब वो आवाज़ उठा रहा है ना, उसको सरकार प्रेफरेंस दे रही है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, बट इट्स नॉट, ड्रिंक बंद नहीं कर रही। क्यों? ड्रिंक में क्या मिलता है? ड्रग लड़कियां कभी लेती हैं? ड्रग और ड्रग के बिना तो इनकी फिल्में नहीं लॉन्च होती, ओवर ड्रेस के बिना इनकी फिल्में नहीं लॉन्च होती। हमारी हकीकत एंटरटेनमेंट फिल्म जो पिताजी चलाए बनाई है, पहली फिल्म जो MSG1 द मैसेंजर ऑफ गॉड, कितनी साफ सुथरी फिल्म है, ये 5 फिल्में इतनी साफ सुथरी है, फैमिली मेम्बर बैठ के देख सकते हैं। आजकल की फिल्मों को अगर फैमिली मेम्बर बैठ के देख लेगा, नहीं देख सकता।
इसी वजह से कि पिताजी को आना चाहिए फिल्म में जो है वो लॉन्च होनी चाहिए। तो देखिए इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया गुरुजी के बारे में, मूवीज़ के बारे में, और बहुत करीब से ये गुरुजी को जानते हैं। तो हम आपको ऐसे ही और भी लोगों से मिलवाएंगे जो काफ़ी समय से गुरुजी से जुड़े आ रहे हैं और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। थैंक यू सो मच।